उसका ऊपर ही लेमन नहीं देना है दोस्तों, अगर दोगे तो सही से टेस्ट नहीं आएगा। थोड़ा सा आंच को बढ़ा देंगे, बस गुड। अभी हम नमक लाएंगे, नमक थोड़ा देंगे। नमक ज़्यादा नहीं देना दोस्तों, कम चिकन का हिसाब से कम लवण देना चाहिए। अगर नमक ज़्यादा दे दिया तो खाने का टाइम में बहुत कड़वा लगेगा, इसलिए थोड़ा हल्का ही देना है, ताकि अगर थोड़ा बहुत कम होगा तो बाद में दे देंगे। इसको अच्छा से घुमा के लाड़ के तो ऊपर नीचे करके बस इसको थोड़ा रख देना है। अभी क्या करना है दोस्तों, अभी साफ सफाई कांसा जो भी हो पतला अच्छा से साफ करके धो देना है। धोने के बाद इसमें ढक दो। ढकने के बाद क्या करोगे, जो ये आँच जल रहा है हीटर का थोड़ा कम कर देना है, धीमी गति में पकड़ने देना। जब धीमी गति में पकेगा, ज़्यादा तो ज़्यादा नहीं, चिकन है आजकल का चिकन जल्दी ही पक जाता है, तो उसी हिसाब से आप तकरीबन 5 से 7 मिनट दोगे, उसका बाद हम देखेंगे उसका क्या हो रहा हाल। अभी हो गया होगा, अब देखते हैं। नहीं हुआ नहीं दोस्तों, बहुत टाइम लगेगा। चिकन हमारा थोड़ा वाइट वाइट ही दिख रहा है, मतलब उसका समझ रहा हो, वो थोड़ा टाइम लगेगा। फिर इसको दोबारा हम ढक देंगे। और ज़्यादा से ज़्यादा 3 मिनट, शायद हमने 8 मिनट से पहले उठा दिया हूँ। अभी थोड़ा लग रहा मालूम हो रहा, अभी खोल दे रहे हैं। हाँ थोड़ा थोड़ा लग गया था, देख रहे हो, पहले चिकन वाइट वाइट दिख रहा था, अभी वाइट वाइट नहीं है, मतलब उसको पक गया है। अभी और हल्का थोड़ा सा आँच बढ़ा देंगे। पक रहा है, बस काफ़ी तेज से पक रहा है। आज हमने आलू मिक्स नहीं किया है, बस ओनली चिकन के साथ दमदार आज संबलपुरी रोटी हुआ है, संबलपुरी वाला रोटी। आज रोटी और चिकन दबाएंगे। ओह माय ब्लोइंग बूफ, खुशबू कितनी अच्छा है दोस्तों। थोड़ा सबर करो, आप लोग को भी भेज दूंगा व्हाट्सअप ट्विटर पे, थोड़ा थोड़ा चाख लियो कैसे लगेगा, और कमेंट बॉक्स में जरूर बताइयो। ये देख रहे हो पक रहा है, कैसे हड्डी निकल जा रहा, मांस से हड्डी निकल अलग हो जा रहा, ऐसे है पकाना, ऐसे पकाओगे दोस्तों। अगर किसी टाइम आपको समय मिलेगा तो घर में ज़रूर चिकन पका के खाओगे, और कैसे लगेगा मेरे को कमेंट में बताओगे, अच्छा लगा था या खराब लगा था।
अभी ये लग रहा है तो अभी इसमें थोड़ा सा पानी दे देंगे। फिर अभी दोबारा दोस्तों मोबाइल में ये व्हाइट व्हाइट दिख रहा पर असल में ये व्हाइट नहीं है, ये काला हो चुका है, हल्का सा काला, मतलब जो पाजता है ना, ये देखो करीब लाना पड़ेगा तभी देखे आपको मन में, देख रहे हो लाल लाल हो गया है, लग रहा था ना कह रहा हूँ, इसलिए अभी इसको थोड़ा सा फूटने देंगे पानी को, पानी फूटेगा तो उसका बाद गरम मसाला देंगे। ये हो रहा है, अभी हो गया लग रहा है, अभी हम इसमें गरम मसाला डाल लेंगे, ईंट के टाइम में ये गरम मसाला देते हैं। गरम मसाला थोड़ा ज़्यादा पड़े गिर जाएगा तो कोई परवाह नहीं है, क्योंकि टेस्ट में अच्छा लगेगा। अभी इसको गरम मसाला हमने दे दिया मतलब मीन्स हो गया समझ लो, अभी चिकन हमारा गल गया है ना, और अभी क्या करेंगे हम इसको ढांक देंगे, बस ढाँक के हीटर को ऑफ कर देंगे, सॉरी गैस को ऑफ कर देंगे, यहाँ से भी ऑफ है, यहाँ घुट घुट करके ये देखिए ऑफ हो गया, बस ये मुड़ दिया ख़त्म। अभी नेक्स्ट ये 10 मिनट रहेगा ऐसे ही, उसका बाद हम जब खाना खाएंगे रोटी और मांस तब हम आपको दिखाएंगे कैसे खाना खा रहे हैं, कैसे हड्डी तोड़ रहे हैं और रोटी तोड़ रहे हैं। सो दोस्तों अभी ले आए हमने रेडी करके, ये देखिए रोटी है, और ये ढंग को उठा बाबू, क्या कर लो वा एक को उठा हो, हाँ उफ क्या चिकन बना है, बैठो बैठो बैठो, दो कल्ले लाए हैं, दो भाग होगा ना, फिफ्टी फिफ्टी, दो तेरा दो मेरा, एक तेरा एक मेरा, तीन तेरा तीन मेरा, दो कोटरी तेरा एक कोटरी मेरा एक कोटरी तेरा दो कोटरी, और सब कुल मिला के मेरा दो कोटरी, ठीक है ना, ये सब बराबर। हेलो एवरीवन, दिख रहा है आप सब लोग को, ये चिकन है वो ना गिर जाए भाई, ये रोटी है, कोशिश कर रहे हैं जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी खत्म करूंगा, ये देखिए मांस रोटी है। टोपा टॉप जल्दी जल्दी खाना है, रात भी हो रहा सुना है,
रोटी तोड़ा, चिकन तोड़ा, उसका हड्डी भी तोड़ दिया है। देखिए ईमान से ये हड्डी है। पिछवाड़ा में खोजली हो ललुआ। हड्डी है इसको, दांत से ही निकाल के गिराना है, थूकना नहीं है। कोई कोई खाते खाते फूक फूक ऐसे करते, ऐसे नहीं करना है दोस्तों। हड्डी न करो मन को
दोस्तों अगर मेरा चिकन बनाना आप लोग को पसंद आया तो ज़रूर लाइक करोगे, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट भी करना ज़रूर। और जिस जिसने पहली बार देख रहा हो मेरा पहले जो बनाया हुआ था मोरवंच का मांसो मुड़ी और ये सेकंड में देसी चिकन रोटी, तो ये देखने के बाद अगर कोई भी सब्सक्राइब नहीं किया होगा मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दोगे। और हाँ दोस्तों अगर नोटिफिकेशन में बेल आइकन दबाना मत भूलना, अगर भूल जाओगे तो फिर आने वाला आगे का वीडियो आप लोग नहीं देख पाओगे, उसमें मेरे को भी बहुत दुख होगा क्योंकि मैं इतना कष्ट करके वीडियो बना रहा हूँ। तो अगर आप बेल आइकन दबाओगे तो ज़रूर देख पाओगे इतना काफ़ी वीडियो जो मैं पोस्ट करूँगा आगे के वो सब देखेंगे। तो थोड़ा ही बाकी है, एक बड़ा सा है, इसको भी जल्दी हम ख़त्म कर देंगे। ये है दोस्तों ख़त्म हो गया है। आपको प्लीज़ प्लीज़ रिक्वेस्ट कर रहे हैं अगर आप लोग को मेरा चिकन बनाना पकाना तरीका अच्छा है बुरा है, अच्छा है सही गलत, सही है गलत है जो भी हो वो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताओगे। अगर मेरा रोटी और चिकन खाना आपको लोग को भी कैसे लगा वो ज़रूर आप बताओगे। और बाकी मैं आप लोग को व्हाट्सअप ट्विटर फेसबुक में सब में चिकन छोड़ दूंगा, आप थोड़ा थोड़ा टेस्ट कीजिए। नमस्ते जी।